कक्षा 8 विषय हिंदी एक बार पुनः मैं काव्य क्रमांक 2 दोहे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो इस काव्य का दूसरा वीडियो होगा, भाग 2 का वीडियो होगा। भाग 1 के वीडियो में मैंने इस काव्य के कवियों का परिचय दिया था, जिसमें कबीरदास, रहीमदास और तुलसीदास जी का परिचय आपने प्राप्त किया था। इस वीडियो में इन तीनों महत्वपूर्ण साहित्यकारों के बारे में अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देकर के दोहों का गान एवं संपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। विद्यार्थियों, भारतीय संत परंपरा में इन तीनों महत्वपूर्ण कवियों का स्थान रहा है। संत तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी बहुत ही ख्याति प्राप्त हिंदी साहित्यकार रहे हैं। रहीमदास जी संत नहीं थे, किंतु वे भी हिंदी साहित्य के जगमगाते रत्न माने जाते थे। रहीमदास जी बादशाह अकबर के सेनापति बैरम खान के बेटे थे और आगे बढ़कर रहीमदास जी भी बादशाह अकबर के सेनापति बने थे। साथ साथ में कलम पर भी उनका पूर्ण अधिकार था, अर्थात उनके एक हाथ की शोभा तलवार थी तो दूसरे हाथ की शोभा कलम थी। संत कवि कबीरदास जी भी हिंदी साहित्य के आदिकालीन सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि माने जाते हैं। वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं। उन्होंने स्वयं कहा भी है, मसी कागज छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। लेकिन वे एक संत थे, उच्च कोटि के संत थे। उनकी संत मंडली में जो अन्य संत थे, कबीरदास जी जो भी कुछ कहा करते थे वे लिख लिया करते थे। इस प्रकार कबीरदास जी का कहा हुआ दोहों का भंडार बीजक नामक महाग्रंथ में दिया गया है, अर्थात उनका महाग्रंथ बीजक है। कबीरदास जी भी श्री रामचंद्र के भक्त थे, लेकिन उनके राम अयोध्या के राजकुमार या अयोध्या के राजा राम नहीं, किंतु आदि अनादि कण कण में व्याप्त परम तत्व परम ब्रह्म राम है। वे कहते हैं कि अखिया जाई परी पंथ पुकारी पुकारी, जीवड़िए छाला पड़या राम पुकारी पुकारी, अर्थात वे राम भक्त थे, लेकिन हम जो कथा के राम जानते हैं वे नहीं। आदि अनादि परम ब्रह्म राम उनके मुख्य आद्य रहे थे। तुलसीदास जी भी राम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उनके राम अयोध्या के राजकुमार अयोध्या के राजा कि जिन्होंने रावण का वध किया था, वह श्री रामचंद्र जी थे। वे सगुण भक्ति करते थे, कबीरदास जी की भक्ति निर्गुण थी, अर्थात मूर्ति स्वरूप भक्ति नहीं थी। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी के भक्त रहे थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, जो विश्व प्रसिद्ध हुई, और वे चाहते तो रामचरितमानस संस्कृत में भी लिख सकते थे, क्योंकि वे बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने उस समय लोक भाषा अवधी थी, इसलिए अवधी हिंदी भाषा में ही रामचरितमानस अर्थात रामायण की रचना की थी। उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य 5 में दिए गए हैं। तो आइए सर्वप्रथम इन तीनों कवियों के संग्रहित
दोहों को मैं वाचन के स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहले कबीरदास जी के दोहे हैं। साईं इतना दीजिए जा में कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए कबीरा, साधुन भूखा जाए। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा और हमारे परिवार को लालन पालन भोजन की कोई कमी न पड़े, उतना भोजन अवश्य देते रहिएगा, हमें भी भोजन मिलता रहे, हमारे कुटुंब को भी भोजन मिलता रहे। यही नहीं, साथ साथ में कोई भिक्षुक यदि आ जाए तो उसे भी भोजन की प्राप्ति हो जाए, इतना भोजन की व्यवस्था हमारे परिवार के लिए अवश्य कर देना। तो यहाँ स्वयं का भी ध्यान रखने की बात है। तो कबीरदास जी का प्रथम दोहा जो है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास ने कहा है कि साईं अर्थात भगवान, हे भगवान आप सदा अपनी नज़र हम पर बनाए रखे, नज़र हम पर बनाए रखे, बनाए रखना, अपनी नज़र हम पर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। दूसरा पद है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होते हसाए कबीरा, जग में होते हसाए। तो यहाँ दूसरे दुहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना सोच समझ के करना नहीं चाहिए, कोई भी कार्य, कोई भी कार्य बिना सोच समझ के नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हम बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है, वरना बाद में पछताना पड़ता है। यदि बिना सोचे समझे काम करेंगे तो बाद में पछताना पड़ता है। काम बिगारे आपनो जग में होते हसाए, यदि बिना सोचे समझे हम कार्य करेंगे तो अपना तो काम बिगड़ता ही है, लेकिन पूरी दुनिया हम पर हंसती भी है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सोचे समझे बिना कोई काम मत करो। तीसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब की खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, कबीरा ना काहूँ से बैर। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत,
कोई भी काम में अति नहीं होनी चाहिए, न किसी से अत्यंत दोस्ती कि उसके बिना चले ही नहीं, और किसी से भारी शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुनिया के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, और वह अधिक प्रेम के वश में आकर के गलत कार्य कर लेते हैं और शत्रुता अधिक बढ़ जाती है, तो पूरे परिवार और पूरे खानदान का विनाश हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों में संभल कर ही आगे बढ़ना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति की गति बहुत न्यारी है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। अब हम रहीमदास जी के महत्वपूर्ण दोहे देखेंगे। विद्यार्थियों, मैंने कहा कि रहीमदास जी बहुत ही उच्च कक्षा के साहित्यकार थे। मुसलमान साहित्य होने के बावजूद भारत देश में उनका साहित्य बहुत लोकप्रिय रहा, और भगवान कृष्ण संबंधित भी उन्होंने बहुत सुंदर साहित्य की रचना की है। विद्यार्थियों, रहीमदास जी जो थे वह बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, और बहुधा बुद्धि लक्षण उनमें देखा जाता था। अनेक प्रकार की उनकी विशेषताएं थी, इसीलिए तो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को पराजित करना और साहित्य के मैदान में लोगों को जीत लेना, लोगों के दिलों को जीत लेना उनको अच्छी तरह से आता था। रहीमदास जी का प्रथम दोहा बहुत कुछ कह जाता है। वे इस दोहे में क्या कह रहे हैं? रहीमनवे नरे मर चुके, जे कहूँ मांगन जाय, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय, रहीमा जिन मुख निकसत नाय। तो यहाँ पे विद्यार्थियों हम देखेंगे कि किस प्रकार रहीमदास जी जो है वह लोगों को समझा रहे हैं। वे अपने प्रथम दोहे में समझा रहे हैं कि मांगना, किसी से भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति से। व्यक्ति से भीख नहीं मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, किंतु आगे वे कहते हैं कि किंतु मुसीबत में बड़े व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। रहीमदास जी दो व्यक्तियों को मरे हुए के समान मानता है। परीक्षा में पूछा जाए कि रहीमदास जी किसे मरा हुआ समझता है, तो दो व्यक्तियों को मरे हुए के समान मानता है। एक जो किसी से मांगता है उसे, और दूसरा जो मांगने वाले को मदद देने से अर्थात सहायता करने से इनकार कर देता है। इन दोनों को रहीमदास जी मरे हुए व्यक्ति के समान मानता है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण दुहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकते कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकते कुसंग, चंदन विष व्यापते नहीं,
लिपटे रहते भुजंग रही माँ, लिपटे रहते भुजंग। तो यहाँ पे कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का बुरा व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अच्छे व्यक्ति अर्थात अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है। सज्जन का कोई बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। अच्छे गुण वाला व्यक्ति जो होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। का करी सकत कुसंग, कुसंग में व्याप्त व्यक्ति उसका क्या नुकसान कर सकता है। यहाँ उदाहरण भी दे रहे हैं रहीमदास जी इस दुहे में, वे कह रहे हैं चंदन विष व्यापत नहीं। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष होता है उसके ऊपर विष व्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि चंदन बहुत ही सुगंधित वृक्ष होता है और उस वृक्ष के ऊपर बहुत से सांप लटके हुए रहते हैं, लिपटे हुए रहते हैं। लेकिन सांप का जो विष होता है अथवा सांपों का जो विष होता है वह चंदन के पेड़ में कभी नहीं चला जा सकता। चंदन का पेड़ जो है वह कभी विषैला नहीं हो सकता। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनमें बहुत से गुण होते हैं। दुर्जन व्यक्ति यदि उसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तीसरा यहाँ पे रहीमदास जी का पद है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीम नहीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, रहीमा लाख टका मेरो मोल। तो यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े दिल वाला व्यक्ति कभी अपनी तारीफ नहीं करता। वे यहाँ कह रहे हैं कि अपनी तारीफ कभी खुद नहीं करनी चाहिए, अपनी तारीफ अथवा प्रशंसा, अपनी प्रशंसा तारीफ अर्थात प्रशंसा कभी स्वयं नहीं करनी चाहिए, स्वयं नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं की तारीफ करने लगता है उस व्यक्ति पर अभिमान सवार हो जाता है, इसलिए स्वयं की तारीफ कभी करनी चाहिए नहीं। बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीम न हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा बहुत कीमती है, हीरा जो है बहुत कीमती धातु होता है, लेकिन वह अपनी कीमत खुद नहीं बताता कि मेरी क्या कीमत है। वह उसकी कीमत तो जानता है लेकिन बताता नहीं, लेकिन उसकी कीमत कौन बताएगा? उसको परखने वाला जो हीरे को जानता हो, जो हीरे की परख कर सकता हो वही हीरे की कीमत बता सकता है। इसीलिए बहुत ही सज्जन बहुत ही गुणवान व्यक्ति हमारे करीब होते हैं लेकिन हम उसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारी परख उसके उस गुण को नहीं देख पाती। जिस प्रकार कोई जौहरी ही हीरे की कीमत पहचान सके, उसी प्रकार कोई अच्छे व्यक्ति की कीमत उसके गुण जानने वाला व्यक्ति ही पहचान सकता है, लेकिन वह व्यक्ति कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करता। तो यहाँ कहता है, कहा गया है कि आप अपनी तारीफ मत कीजिए, दुनिया में आपके गुण एक न एक दिन प्रशंसा के पात्र होंगे। एक ऐसा दिन अवश्य आएगा जब तुम्हारे काम की तारीफ होगी और तुम्हें उस काम के बदले में इनाम भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने रहीमदास जी के भी दोहे देखे, अब देखते हैं तुलसीदास जी के महत्वपूर्ण दोहे। त
प्रथम दुहा है आवत ही अहरे से नहीं नैनन नहीं सनेह आवत ही अहरे से नहीं नैनन नहीं सनेह तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में गरे तुलसी कंचन बरसे में। बहुत ही अच्छी बात तुलसीदास जी ने की है कि ऐसे घरों में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ के लोग आने वाले अतिथि की इज्जत ना करें। हमें ऐसे घर में कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारी इज्जत ना हो, जो परिवार हमें महत्व न देता हो, हमारा सम्मान बिल्कुल न करता हो, ऐसे परिवार के पास, ऐसे परिवार के लोगों के पास जाना अच्छी बात नहीं है, भले वो कितने ही धनवान क्यों न हो। कंचन बरसे मेघ, क्या कह रहे, आवत ही हरसे नहीं, आते समय ही किसी का हृदय खुशी से झूम न जाए। नैनन नहीं स्नेह, जिनकी आंखों में तुम्हारे प्रति स्नेह न हो, तुलसी वहाँ न जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे मेघ, भले वहाँ सोना बरसता हो या फिर बहुत से सुख सुविधा की वस्तु वहाँ पे हमेशा दिखाई देती हो, हमें ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ सम्मान न मिले, जहाँ आपको सम्मान न मिले वैसे घरों में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना, अपनी अपना सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा की इज्जत हमें अवश्य करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने दूसरे पद में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन रे तुलसी, जो पंखा की पौन। बहुत ही सुंदर बात की है कि मेहनत करना जरूरी है, उद्यम उद्यम अर्थात मेहनत, मेहनत जरूरी है। यदि आप मेहनत नहीं करते तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। विद्यार्थी भी यदि अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो वह बहुत ही कमजोर हो जाएगा और अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, कौन प्राप्त कर सकता है बिना उद्यम, बिना मेहनत की किसी को विद्या भी नहीं मिल सकती। बिना डुलावे ना डुले, आप पंखा जो होता है उसकी पौन पकड़ने वाला हिस्सा पकड़ के हिलाओगे नहीं, उसे डुलाओगे नहीं, तो आपको पवन की प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार विद्या प्राप्त करने के लिए भी कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो एक संस्कृत में श्लोक भी है कि उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, अर्थात बिना मेहनत के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में मैंने कबीरदास जी, रहीमदास जी और तुलसीदास जी के सभी दुहे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनकी चर्चा की, साथ में दुहों का वाचन किया। आने वाले अन्य वीडियो में मैं स्वाध्याय लेखन लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामी नारायण।